पहाड़ी चढ़ के ऊपर जाना है। हम तो वन सने तक जो इन घोघरा का वीडियो आरु मेरे सने तक हजे से हजिया बनता नहीं सने तक। मेरा मतलब है कि मैं घोघरा का वीडियो बनाने जा रहा हूँ और घोघरा भी देखने जा रहा हूँ। आज जो वीडियो हमने आपके बीच में लाया है इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को आप मिस नहीं करना, पूरा देखना है आप लोगों को, शुरू से लास्ट तक देखना है। आज हम आपको ऐसे खास जगह के बारे में बताएंगे जो आप देखने के बाद में आपका भी मन करेगा कि काश मैं भी ऐसी जगह में एक बार घूमने अवश्य जाऊंगा। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप एक बार जरूर आएंगे इस स्थान में, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे जगह दिखाने वाला हूं कि आप भी देखने के बाद में सोचोगे कि वास्तव में यार ये जगह देखने लायक है, पिकनिक के लायक है। और आप भी इस जगह में एक बार जरूर आना और जरूर देखना। आप चाहे तो बड़ा कैमरा लेकर के आकर के और वीडियो बना के और पब्लिक में यूट्यूब के द्वारा दिखा सकते हो, लेकिन मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं इसलिए छोटा मोबाइल रखा हूं और छोटा मोबाइल से इस वीडियो को शूट किया हूं। लेकिन ये जगह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है। आप भी जरूर से जरूर आए और एक बार जरूर इस नज़ारे को देखे, इस एरिया को देखे, एक घोघरा वाटरफॉल को देखे। तो वीडियो को फटाफट से हम पूरा दिखाने वाले हैं आपको। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, आप लोगों की प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आपकी मदद चाहिए मुझे ताकि मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर बन सकूँ, आपके बीच में अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूँ। और अगर मुझ में कोई कमी होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं अपनी गलती का सुधार कर सकूँ, अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच में ला सकूँ, ताकि दोस्तों मुझे कल को ये सुनने में अच्छा लगे कि लोग हमारी वीडियो देखकर खुश हैं, ताकि हमें भी खुशी हो। इसलिए मैं भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की और YouTube पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को भी मेरे वीडियो से खुशी मिले। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूंगा। दोस्तों इंडिया में दो चीज़ बहुत फेमस है, हैदराबाद का चार मीनार और मध्य प्रदेश का टांडी गांव की घोघरा का धार। तो घोघरा की धार देखिए, बहुत बड़ा झरना है, छोटा झरना, बड़ा झरना, दो झरनों का संगम है। वीडियो में देखना जरूर दिखेगा, घर घूमने आओगे तो हकीकत में भी दिखेगा। दोनों झरना आपको मैं इस घोघरा वाटरफॉल में दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग एक साथ दो दो झरने का नज़ारा देख सके और इसका आनंद ले सके। तो फटाफट से हम लोग आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है, गजब का नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा है, देखते रहिए। देख सकते हैं दोस्तों कितने ऊपर से पानी आ रहा है, इसमें पानी का शोर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देता होगा। फिर भी मैं आप लोगों को देखने के साथ साथ अपनी आवाज़ को भी सुनने का बहुत अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देखें और सुने। देख सकते हैं आप लोग कितने ऊपर से ये पानी का झरना नीचे गिर रहा है। बहुत ही सुंदर स्थान है घूमने के लिए, पिकनिक के लिए बहुत ज़बरदस्त स्थान है दोस्तों, बहुत अच्छा नज़ारा है। घोघरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो छिंदवाड़ा जिले में प्रसिद्ध स्थान है। झरना दिखेगा, देखेंगे। अब देखने आए तो पूरा ही दिखा देता हूँ ना आप लोगों को, नहीं तो कल को बोलेंगे यार वीडियो में तो पूरा नहीं दिखाया था, यहाँ तो बहुत से और भी चीज़ है देखने लायक, इसलिए पूरा ही देख लो ना। और क्या आज के वीडियो में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा जगह दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा, सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। ये है घोघरा वाटरफॉल, बहुत ही अच्छा स्थान है घूमने के लिए और पिकनिक के लिए। आप इस जगह में कभी आकर के इस जगह को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो इस जगह के बारे में कि वास्तव में ये जगह कैसा है। बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों। ये घोघरा वाटरफॉल है, बहुत बढ़िया स्थान है, यहाँ पर बहुत ऊपर से पानी नीचे गिरता है, बहुत ही अच्छा झरना है, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है दोस्तों। घोघरा है देखने जाना, तो दोस्तों पहाड़ी को पार करके चढ़ना और चढ़ करके पार करना, तभी घोघरा है देखने को मिलेगा। तो चलो आओ, चलते रहो, बढ़ते रहो, तभी तो पहाड़ी खत्म होगी। चलो 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 चलो, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है यार, कैसे चढ़ेंगे बाबा। चलो कोशिश करो, तभी तो मंजिल तक पहुँचेंगे ना, कोशिश करोगे नहीं तो पहुँचोगे कैसे। देखना है सारा नजराना, तो उसके लिए घोघरा है जाना, तो चलो फटाफट घोघरा की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखो भैया पानी की लंबी धार, मछली की ओरी कतार, लगे ढीमर भैया पार ही पार। आगे बढ़ते मिले घोघरा की धार, पहले धार ही चलेंगे। घोघरा वाटरफॉल बहुत ही बढ़िया स्थान है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये रहा है, अच्छा है घूमने के लिए, पिकनिक के लिए बहुत बढ़िया स्थान है। आप चाहे तो एक बार जरूर से जरूर आए यहाँ पर और आप भी देखें कैसा जगह है। देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा नज़ारा है दोस्तों, वाटर बहुत ऊपर से गिरता है, यहाँ पे बहुत बड़ा झरना है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग ऊपर से, आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। देख सकते हैं आप
लोग इस तरह से इस जगह से इसकी धारा बहुत ही खतरनाक होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। आप सबको देखते हैं आप लोग, ये तो ऊपर से पानी आ रहा है, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, घूमने लायक, पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्थान है ये। देखें आप लोग, देखो दोस्तों बहुत अच्छा नज़ारा है, दूर दूर तक पूरा हरा भरा देखने को मिलता है। आप लोगों को देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा है देखने में, चारों तरफ से वाटरफॉल दिख रहा है। ये देखो ऊपर से पानी बहते हुए नीचे की ओर जा रहा है, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। कभी आना हुआ जा सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा है दोस्तों, देख लीजिए बहुत अच्छा है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए, आप यहाँ पर घूमने आ सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत नज़ारा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं कि घोघरा वाटरफॉल कैसा स्थान है, देखने लायक है, घूमने लायक है, पिकनिक के लायक है, कैसा है, आप इस वीडियो में देख करके बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हो और घूमने भी आ सकते हो। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। ये घोघरा ऐसे जगह पे है जिसके चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल है, साइड में गाँव भी है, टांडी रैयत के नाम से गाँव है, टांडी रैयत जिलेर घाट और मोरडोंगरी से 3 किलोमीटर अंदर है। मोरडोंगरी छिंदवाड़ा जिला से करीबन 35-36 किलोमीटर की दूरी में और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश इंडिया में।